आपको कोई भी क्षणिक सुख मिला, ज्यादा सुख मिला, वो क्षण आए जीवन में, वो विट्ठल से कहो, हरि से कहो, परमात्मा से कहो, गजराज से कहो। और मुझे लगता है अगर आप इस मार्ग पर चलेंगे जो मैं कह रहा हूं, तो अच्छे दिन, अच्छा समय, अच्छे क्षण पुनः पुनः आते जाते रहेंगे जीवन में। कहीं से भी आप ऐसे छीना झपटी, ये तो उत्तम कर्म नहीं है। ये शरीर तो सदैव नहीं रहेगा और इसमें सुंदरता भी सदैव नहीं रहती है, इसलिए इस पर कोई ज्यादा सोचने जैसा विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सुंदर लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है। हो सकता है आपकी माता बाहर से बड़ी सुंदर हो, पर आप अब बड़े हो गए, जवान हो गए, माता बूढ़ी हो गई, तो आपकी आंखों के सामने माता का सुंदर रूप कहां गायब हो गया। पिताजी का सुंदर सिडोल शरीर, बलवान शरीर कहां गायब हो गया। और ये तो आपने अपनी आंखों से नित्य घटते हुए देखा है, बर्बाद होते देखा है माता पिता के सौंदर्य को। तो ये बाहर का जो सौंदर्य है ये तो सदैव नहीं है, बाहर का जो भी सुख है वो सदैव नहीं है, अंदर का सुख अगर गया तो फिर कोई सुख सुख नहीं है।